प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आपके आज का जो टॉपिक है वो है सर्वनाम शब्द, जिसमें इदम सर्वनाम शब्द है। इदम जो सर्वनाम शब्द है, इदम सर्वनाम शब्दों को तीनों लिंगों में अलग अलग बांटा है। इदम सर्वनाम शब्दों को तीनों लिंगों में अलग अलग बांटा है। यह सर्वनाम शब्द भी प्रथम पुरुष के कर्ता के रूप में गिना जाता है। यह सर्वनाम शब्द भी प्रथम पुरुष के कर्ता के रूप, प्रथम पुरुष जैसे तत् है उसकी उसी के अकॉर्डिंग ये भी है, इसको प्रथम पुरुष के रूप में गिना जाता है, प्रथम पुरुष के कर्ता के रूप में गिना जाता है। जिस संज्ञा शब्द में वचन लिंग होगा उसके अनुसार ही यह सर्वनाम शब्द भी भरा जाएगा। इसके जो सर्वनाम शब्द हैं वो तीनों लिंगों में अलग अलग हैं। जैसे ये कॉलम रहेगा लिंग का, ये एकवचन, ये द्विवचन और ये बहुवचनम। पुल्लिंग में इसका एक वचन है अयम, द्विवचन है इमौ और बहुवचन है इमी। अगर कर्ता पुल्लिंग का एक वचन है तो सर्वनाम शब्द अयम भरा जाएगा, अगर कर्ता द्विवचन है तो सर्वनाम शब्द इमौ भरा जाएगा और बहुवचन है तो इमी भरा जाएगा। लेकिन लिंग पुल्लिंग होना चाहिए, अगर स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग के सर्वनाम शब्द नहीं भरे जाएंगे, वो स्त्रीलिंग के ही भरे जाएंगे। स्त्रीलिंग इयम इमे इमाहा। नपुंसक लिंग नपुंसक लिंग का एक वचन होगा इदम, द्विवचन होगा इमे और बहुवचन होगा इमानी।
प्रिय विद्यार्थियों, इदम सर्वनाम शब्दों को भी तीनों लिंगों में बांटा है। इसके जो सर्वनाम शब्द हैं वो प्रथम पुरुष के कर्ता के रूप में गिने जाते हैं और ये पुल्लिंग के अलग, स्त्रीलिंग के अलग और नपुंसक लिंग के अलग हैं। इसको जैसे अपन भरेंगे, किस तरह भरेंगे ये आप थोड़ा एक दो प्रश्न देख लें खाली स्थान वाले। जैसे पहला है, जैसे खालिस्तान है, बालक है। अब बालक में मूल शब्द बालक, तो बालक क्या है? पुल्लिंग शब्द। और इदम सर्वनाम शब्द वर्ण है, तो इदम का पुल्लिंग का एकवचन है आयम, ये भरा जाएगा। इस प्रकार से आप जिस लिंग में संज्ञा शब्द या उसका रूप होगा, सर्वनाम शब्द भी उसी लिंग का होगा। दूसरा है जैसे जैसे अजा है, अजा इदम का भरेंगे तो इसमें हो जाएगा ईयम। प्रिय विद्यार्थियों, इदम सर्वनाम शब्द तीनों लिंगों में ही चलता है। संज्ञा शब्द रूप जिस लिंग, जिस विभक्ति और जिस वचन में होगा, सर्वनाम शब्द भी उसी लिंग और उसी विभक्ति और उसी वचन में होगा। आप ध्यान से इसको लिख लें, लिख करके आप इसको अच्छी तरह याद भी करने की कोशिश करें। आगे वीडियो में आपको आगे बताया जाएगा। धन्यवाद।